ये दो कबूतर हैं जिनकी गर्दनें टेढ़ी हो गई हैं, और ये हमारे किसी अजीज दोस्त ने हमारे पास भेजे हैं। उसके काफ़ी अच्छे कबूतर हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपने लकवे और झोले का इलाज कैसे करना है। आप नोट कर लें कि आपको क्या क्या टैबलेटें देनी है और इन टैबलेटों को आपने किस हिसाब से देना है और कैसे कबूतर को लकवे और झोले से बाहर निकालना है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ ये होती है, कबूतर जब भी बीमारी में आता है सबसे पहले वो दाना छोड़ देता है, और दाना छोड़ते ही कबूतर को एक बीमारी जो लगी होती है उसके साथ साथ और भी कई बीमारियां की चपेट में कबूतर आ जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि कबूतर को बीमारी कितनी ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कबूतर को सुस्त हुए या दाना छोड़े हुए एक ही दिन हुआ है, और आप उस दिन क्या करें, कबूतर को अगर वो दाना बिल्कुल नहीं उठाया उसने, तो उसको आप ये एक टैबलेट है फ्लाई जेल की, ये इस तरीके की टैबलेट है, इसका चौथा हिस्सा आप कबूतर को सुबह और शाम दें। ये चार हिस्सों में इसको तोड़ लेते हैं, तो ये इस तरीके से आप देखें, ये चार हिस्सों के अंदर टैबलेट को मैंने कर दिया है। इसको आप चौथा हिस्सा दें, चौथा हिस्सा ये टैबलेट दें। ये जो टैबलेट है ये एथ्रोमाइसिन करके टैबलेट है, ये इन्फेक्शन के लिए है, जो उसको कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है और वायरस इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये पेट के लिए है जो मैं आपको फ्लाई जेल बता रहा हूँ। ये दो दवाइयाँ आप सुबह और शाम चौथा चौथा हिस्सा दें कबूतर को। इसके साथ चौथा हिस्सा आपने एक दवाई और देनी है, वो है ये न्यूरोबिन। इन तीनों दवाइयों को चौथा चौथा हिस्सा सुबह और शाम देना है आपने कबूतर को। और कबूतर अगर दाना नहीं उठा रहा है तो आपको उसको या तो हाथ से उसके मुंह के अंदर दाना डालना है। दाना डालते टाइम ये ध्यान रखें कि आप जो भी दाना डालेंगे वो बहुत बारीक किस्म का हल्का दाना होना चाहिए, गेहूं का दाना हो या बाजरे का दाना हो, वो आप डाल सकते हैं। अगर कबूतर की हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है और कबूतर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो दाना नहीं उठा पा रहा, या झोला हो गया है, लकवे में थोड़ा दाना उठा लेता है कबूतर, झोले में बिल्कुल नहीं उठा पाता, तो आप ऐसा करें कि ये सेरेलक आता है बाजार में, ये देखें, ये आप ले आए, ठीक है जी, इसमें काफ़ी है। और आप इसको देखें, इसको आप बुरादा टाइप का है, आटे टाइप का, इसको आप घोल के थोड़े नीम गर्म पानी के अंदर, थोड़े कोसे पानी में, गुनगुने पानी में इसको घोल लें, और इसका जो लिक्विड होगा वो आप इस सरिंज के माध्यम से कबूतर को आप दे सकते हैं। ये आप देखें फ्लेक्सिबल है, ये सरिंज के ऊपर आप एक पाइप ला के लगा सकते हैं, इस पाइप से आप कबूतर के गले में पोट तक आप इसको सेरेलक को लिक्विड करके दे सकते हैं, ताकि दवाई अगर वो खाएगा तो उसको खाना ज़रूर चाहिए, और ये खाना उसको ताकत देगा, इन्फेक्शन को दूर करेगा। और सुबह और शाम आपने ये आमंड ऑयल है, ये घानी से निकलवाया हुआ, कोल्लू से निकलवाया हुआ बादाम का तेल है, जो सुबह और शाम आपने देना है। जब तक आपका कबूतर गर्दन सीधी नहीं कर लेता, आप सुबह और शाम ये दें, और एक दिन आप ये तेल दें, एक दिन का आप गैप कर दें, दूसरे दिन आप ये मछली का तेल है, इसको सी कॉड ऑयल बोलते हैं, 7 सी कॉड करके ये टैबलेट है, मछली के तेल के कैप्सूल हैं, आप ये ले आएँ बाज़ार से, और आप एक दिन आप ये दें सुबह और शाम, और एक दिन आप ये दें सुबह और शाम, ये लगातार आप जब तक चलाएं, जब तक कबूतर की गर्दन सीधी नहीं हो जाती। इन कैप्सूलों से विटामिन डी, कैल्शियम, और जो मसल्स में कमजोरी के हालात कबूतर के अंदर बनते हैं उनको जल्दी से ये रिकवर करते हैं दोनों के दोनों, और इससे ताकत भी बनी रहती है कबूतरों की। और अगर आपका कबूतर दाना उठाना शुरू कर देता है और आप ये जो टैबलेट हैं इसको 15 दिन के बाद इन टैबलेटों को बंद कर दें, जो मैंने 3 टैबलेटें आपको बताई हैं, और 15 दिन के बाद आप ये सिर्फ ये 2 ऑयल उसको लगातार आगे तक चलाने हैं, दवाइयों की और किसी तरीके की दवाई की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये 2 ऑयल दें कबूतर को, इससे आपका कबूतर बीमारी से पूरा का पूरा वापस आ जाएगा, और भगवान ने चाहा तो ये कबूतर आपका फिर उड़ेगा भी, आप परवाज़ भी देख पाएंगे उस कबूतर की।
मेरे पास यहाँ पे लकवे वाला कोई कबूतर है नहीं है, ये कुछ कबूतर मेरे दोस्त ने दिए हैं। कोशिश आप ये करें कि लकवे में कबूतर बिल्कुल आए ही ना। उसका कारण क्या होता है कि आप कबूतर बाहर से परचेज करके खरीद के लाते हैं बाजार से या दोस्तों से ले आते हैं, उनके यहाँ अगर किसी तरीके की कोई वायरल या इन्फेक्शन होता है, वो आपके यहाँ वायरस चला आता है और वो जब कबूतर मल करता है, बीठें करता है, तो वो जो बीठें होती हैं वो दाने में कहीं ना कहीं लग जाती हैं, पानी में लग जाती हैं, तो आपके कबूतर उसको पी लेते हैं या खा जाते हैं, तो उसके बाद आपके कबूतरों के पेट में भी वो इन्फेक्शन आ जाता है। आप कोशिश ये करें कि आप अपने कबूतरों का वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं हर 3 महीने के अंदर। वैक्सीनेशन कैसे करना है उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो स्पेशली अलग से बनाऊंगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि कैसे आप कबूतरों का वैक्सीनेशन करते हैं। अगर आपका कबूतर वैक्सीनेशन के अंदर है तो वो बाहर से आया हुआ कबूतर उस पर कोई इन्फेक्शन नहीं डाल सकता, क्योंकि वो प्रोटेक्ट है, ये लकवे और जो भी इन्फेक्शन आते हैं इन सब से बच सकता है जो कबूतर वैक्सीनेशन के अंदर होता है। तो वैक्सीनेशन का वीडियो मैं आपको डालूंगा। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब जो वीडियो आएंगे आपको आगे बहुत कारगर सिद्ध होंगे दोस्तों के। और जो दोस्त कबूतरों को लकवे के लिए इस जो वीडियो के अंदर हमने प्रोसेसिंग आपको बताई है, आप इस प्रोसेसिंग में ठीक तरीके से करते हैं, 15 दिन के बाद आपके कबूतर ठीक हो जाते हैं, तो आप हमें रिप्लाई ज़रूर करें, बताएं, कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि आपको इससे क्या फ़ायदे मिले। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी इससे कोई फ़ायदा मिल सके। लकवे की जो बीमारी है बहुत ज़्यादा घातक बीमारी है, कबूतर बचता नहीं है। 3 से 4 दिन अगर कबूतर लकवे में आ जाता है, दाना छोड़ देता है, तो कबूतर बचता नहीं है। अगर वो दाना खाता रहता है तो उसकी गर्दन या मुंडी जो भी कहते हैं वो काफ़ी टाइम तक सीधी नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप ये जो वीडियो मैंने बनाया है इसको आप ध्यान से देख के उसका 15 दिन ट्रीटमेंट करें, और 15 दिन के बाद आपको ये जो मैंने सी कॉर्ड ऑयल, जो मछली के कैप्सूल और बादाम का जो तेल है, ये 15 दिन के बाद भी अब लगातार जारी रखते हैं कबूतर को दाने के साथ सुबह शाम देना, तो आपका कबूतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, जिस कबूतर को ये लकवा या झोला हो जाता है उस कबूतर को आप बाकी कबूतरों से अलग हटा के एक थोड़ा सा दूर रखें उन कबूतरों से, जहाँ तक कि वो दाना या बीठे उनकी किसी तरीके से दूसरे कबूतरों के अंदर तक मिक्स ना हो या दाने तक ना मिक्स हो पाए। तो दोस्तों ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आप सबका धन्यवाद।